वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम जब होगा इंग्लिश का, आपका फर्स्ट टर्म का, ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चों का, तो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं कि इस साल जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन होंगे उसमें क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाले हैं, तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको पल पल के अपडेट्स मिलते रहेंगे और जो पीडीएफ्स होंगे इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहेंगे। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज के, www.eklavyastudypoint.com पर, ठीक है। और आपको बता दूं हमने इंग्लिश का लेटेस्ट कोर्स ऑलरेडी तैयार कर दिया है फर्स्ट टर्म के बच्चों के लिए, ठीक है। जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं या और भी जो बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है, हमने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना के आपको दिए हैं और पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं जहां पे आपको सभी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। अब हम बात करें कुछ गाइडलाइंस की, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। आपके पेपर का टाइम होगा 90 मिनट, आप सभी को पता होगा 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है यहाँ पे, और मैक्सिमम मार्क्स 40, यानी कि 40 नंबर का आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए रीडिंग का होगा जैसे कि हर बार रहता है, पर इसमें 18 क्वेश्चंस दिए होंगे आपको और आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस, ठीक है। 18 में से 14 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड देन सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो राइटिंग स्किल्स का सेक्शन होगा, इसमें इट हैज 12 क्वेश्चंस, ठीक है। 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमें 10 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। सेक्शन सी लिटरेचर का है जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 26 अटेम्प्ट करने होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको मैंने समझाए। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें रीडिंग सेक्शन की, तो एज यूजुअल आपका एक पैसेज दिया गया होगा जिसमें 3 से 4 पैराग्राफ दिए होंगे, एंड उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, ठीक है। आपको कोई भी एनी 8 out of 10 करने होंगे, इस तरीके से दिया होगा। अब जब आप पैसेज को पढ़ोगे तभी उसका आंसर दे पाओगे, और इस तरीके से पैसेज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका सेकंड पैसेज हो जाएगा रीड द पैसेज गिवन बिलो। सेकंड पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है जिसमें से टोटल 4 पैराग्राफ लगभग इसमें दिए हुए हैं, फिर उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 में से कोई 6 करने हैं आपको, जो पैसेज को ढंग से पढ़ पाएगा वही इसका आंसर दे पाएगा सही से, ठीक है। ये करने के बाद जब आप आगे जाओगे तो राइटिंग सेक्शन आ जाएगा अब आपका यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग सेक्शन जब आ जाएगा तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि नोटिस किस तरीके से पूछा जाएगा, तो नोटिस इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक लाइन लिख दी जाएगी, द प्रेसिडेंट ऑफ RWA चेलाबूर हाइट्स कोझिकोड हैज टू पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म रेसिडेंट्स अबाउट अ पावर कट फॉर देयर रेसिडेंशियल एरिया। ये लाइन दे दी, आपको हिंट मिल गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट, आप कह सकते हैं ना, टाइटल, नोटिस का टाइटल जो हमें देना होता है। तो यहाँ पे पावर कट की बात की गई है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं टाइटल में, क्या लिख सकते हो, चूजिंग ऑन पावर कट्स, शेड्यूल्ड पावर कट, द नीड टू सेव पावर, या पावर एंड रेसिडेंट सेफ्टी। तो इसमें सही जो मेरे हिसाब से जो टाइटल हो सकता है वो हो सकता है शेड्यूल्ड पावर कट, यानी कि इतने से लेके इतने टाइम तक एक शेड्यूल्ड टाइम तक पावर कट होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर द नोटिस। देखो जब हम नोटिस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक ओपनिंग की उसकी लाइन्स होती हैं, जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज, तो उसके बाद अगला ऑप्शन है दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल, और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ चेलाबूर हाइट्स अबाउट। तो इसमें ऑप्शन सी ज्यादा सही है, क्योंकि जब हम नोटिस लिखते हैं तो कुछ इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो कि सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब आप जब ये नोटिस अगर लिखते तो क्या क्या चीजें आप इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करते, तो मेरे हिसाब से एक तो रीजन फॉर द पावर कट, ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट,
एंड देन डेट ऑफ द पावर कट। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द आरडब्ल्यूए, क्या आरडब्ल्यूए का नाम भी दिखाना है आपको नोटिस में? जी बिल्कुल दिखाना है, यस, बिकॉज इट इज द इशुइंग बॉडी, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। तो कंक्लूजन में आप लास्ट में ये लिख सकते हैं कि इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, ठीक है, कि असुविधा के लिए खेद है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से नोटिस से पूछा जाएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आर्टिकल वाले टॉपिक से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, हम आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे और अभी भी सब कुछ करवा रहे हैं। नोटिस के एमसीक्यू भी मैंने करवाए हैं, एडवर्टीजमेंट के एमसीक्यू करवाए हैं, ठीक है। आप कह सकते हो लेटर टू एडिटर के भी एमसीक्यू हमने करवाए हैं आपको, ठीक है। और आगे जब आपके एग्जाम नजदीक होंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी सीरीज करवाएंगे और आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आर्टिकल वाले क्वेश्चन आपके आ जाएंगे कि विच कोड शुड वेनु यूज टू। देखो जैसे कोई भी आर्टिकल लेटर आता था आपका पहले, तो उसमें नाम लिखा होता था ना, यू आर वेनु और वेनिका एंड राइटर आर्टिकल, ठीक है। उसी तरीके से आपको एक नाम दे दिया जाएगा, वेनुस, ठीक है, वेनु का आर्टिकल है ये। उसमें वो कौन सा कोड डाल सकता है अपने आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल का आप पहले ये देख लेना टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, उसके बाद जो सूटेबल ऑप्शन लगता है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन की अगर हम बात करें, जो आपका बुक का सेक्शन है, उसमें एक्सट्रैक्ट दे दिए जाएंगे सबसे पहले, फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, 26 आपको करने होंगे, ठीक है। साहेब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे गए हैं और आपको आंसर देने हैं, और सारे एमसीक्यू मैंने करवा दिए हैं भाई। इंग्लिश में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं हर चैप्टर से मैंने फर्स्ट टर्म के लिए करवा दिए हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को एंजॉय करो और अच्छे से देखो और अपनी तैयारी करो। उसके बाद आगे कुछ इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए होंगे और आपको वो एक्सट्रैक्ट को देखने के बाद आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। जैसे कि डगलस का एक्सट्रैक्ट था पीछे, ठीक है, डी पॉटर वाले का, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फिर एक पोम से भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो पोम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट आपको मिलते जाएंगे और उसका आंसर आपको देते जाना है, ठीक है। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन देख सकते हो जो कि आपकी बुक से रिलेटेड एमसीक्यू है, और लगभग इस तरीके से क्वेश्चन सारे ही हमने करवा रखे हैं और सब आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियोस में। बस आपको ये देखना था कि पेपर का क्या डिजाइन रहने वाला है, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई इस तरीके से राइटिंग सेक्शन आपका रहने वाला है और बाकी सभी एमसीक्यूज होने वाले हैं, सभी एमसीक्यूज होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में भी आप देख लो जो जो चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, कि कुछ चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे गए हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए आपके। इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है फर्स्ट टर्म का, ए टू जेड आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। अब आपको लिखना तो कुछ नहीं है, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। कि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की वीडियोस देखो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस बार आपको लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, रिविजन अच्छे से हो जाएगी और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो में, जल्दी ही और सब्जेक्ट के भी मैं बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।